गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न कंप्यूटर क्लास सिक्स। टुडे वी लर्न लेसन एंड हेयर आर सम वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट वी रीड मैनिपुलेटेड हेयर फेयर, ऑर्गेनाइज संगठित करना, एनालाइज मनोविश्लेषण करना, बजट बजट इनवाइस बिल, एडिट संपादन करना, अलाइनमेंट सम्मिलित करना, ओरिएंटेशन निर्देशन करना, इंटरसेक्ट परस्पर काटना, रिक्वायरमेंट आवश्यकता। लेट्स स्टार्ट बुक रीडिंग। एक्सेल 2013 इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इन एप्लीकेशन। एक्सेल 2013 एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल 2013 एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में शामिल होता है। स्प्रेडशीट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। स्प्रेडशीट प्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करता है, इंफॉर्मेशन में सूचनाओं को, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के रूप में। स्प्रेडशीट टेबल के रूप में सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। द टेबल वैल्यू आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम दैट कैन बी मैनिपुलेटेड मैथमेटिकली यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। टेबल वैल्यू रो और कॉलम में अंकगणित के गणित के टेबल वैल्यू रो और कॉलम में गणित के अंकगणित में हेर फेर करने में प्रयोग में लाया जाता है। इट इज़ आल्सो अलाउ यू टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन। इसका प्रयोग सूचनाओं को संगठित करने और मनोविश्लेषण करने में भी किया जाता है, डाटा को स्टोर करने में भी किया जाता है। इट इज़ यूजफुल इन मेंटेनिंग बजट, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रेनिंग लॉग आर क्रिएटिंग एन इनवॉइस। इसका प्रयोग बजट, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, एम्प्लॉयज के अटेंडेंस, ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रेनिंग की सूचनाएं और बिल बनाने में किया जाता है। द पार्ट ऑफ एक्सेल 2013 विंडो आर गिवन बिलो। एक्सेल 2013 विंडो नीचे दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। सबसे ऊपर के लाइन को हम क्विक एक्सेल बार बोलते हैं, उसके नीचे वाले लाइन को रिबन टैब बोलते हैं। फिर इधर कोने में है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन रहता है। रिबन होता है, वर्कबुक होता है, वर्कशीट इधर होता है, स्टेटस बार होता है जो नीचे होता है, और बीच में आपका कॉलम, रो, सेल, फार्मूलाज वगैरह होता है। अब देखें, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेविंग द वर्क बुक इन एक्सेल 2013 इन क्लास 5। आप लोग क्लास 5 में एक्सेल 2013 को ओपन करना सीख लिए हैं, क्लोज करना सीख लिए हैं और वर्कबुक को सेव करना सीख चुके हैं। यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट सेल, रो एंड कॉलम इन वर्कबुक। आप लोग वर्कबुक में सेल, कॉलम और रो को भी पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट एंटरिंग डाटा इनटू द सेल, एडिटिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा, अलाइनमेंट ऑफ डाटा एंड ओरिएंटेशन ऑफ डाटा इन एक्सेल। इस लेसन में हम लोग डाटा सेल में डाटा एंटर करने, संपादन करने, फॉर्मेटिंग करने यानी कि रचना करने, एनालाइनमेंट सम्मिलित करने और निर्देशन करने
करना सीखेंगे। इसमें इस चैप्टर में हम लोग डाटा एंटर करने, संपादन करने, रचना करने, सम्मिलित करने और निर्देशन करना सीखेंगे। अब देखें बेसिक टर्म्स स्प्रेडशीट। ए स्प्रेडशीट इज़ ए पेपर आर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेटेड डाटा। स्प्रेडशीट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने और उसका हेर फेर करने में किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल। इसका प्रयोग रो और कॉलम शामिल होता है जो सेल को परस्पर काटने का कार्य करता है। वेयर द डाटा यू एंटर इन इज स्टोर्ड, जहां हम लोग इसे काट कर, इसे हटा कर दूसरी जगह स्टोर करते हैं। डाटा सेल, डाटा कैन बी इन फॉर्म ऑफ नंबर, डाटा नंबर के रूप में होता है, टेक्स्ट के रूप में होता है, साइम्बल के रूप में होता है, साइम्बल इन टेबुलर फॉर्मेट, और ये टेक्स्ट जो और साइम्बल जो होता है ये टेबुलर फॉर्मेट के रूप में होता है। यू कैन कस्टमाइज स्प्रेडशीट बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड एंड डाटा रिक्वायरमेंट। इस स्प्रेडशीट का प्रयोग आप लोग बिजनेस और डाटा की आवश्यकता के लिए करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग वर्कशीट एंड वर्कबुक एंड एनी अदर हेडिंग वी टीच वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।